पहले भी डाले मैंने ओवर्स, लास्ट ओवर जैसे लास्ट ईयर भी मैंने राजस्थान के अगेंस्ट 15 रन बचाए थे, तो वो भी एक ओवर है। और जब दिल्ली से खेला तो जब भी मैंने लास्ट ओवर डाले हैं तो एग्जीक्यूशन वाइज देखा जाए तो हाँ बोल सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट ओवर था, क्योंकि सब 6 बॉल एक ही जगह पे थे वाइड यॉर्कर, वो जो प्लान था वो उसको एग्जीक्यूट किया मैंने। काफ़ी अच्छा इनिंग्स था, वो मैच चेंजिंग इनिंग्स था, क्योंकि शुरू में हमारे विकेट्स भी गिर चुके थे और रन रेट भी मतलब 6 के नीचे था। शुरू के 10 ओवर में 60 ही रन थे हमारे, लेकिन बाद में जो उसने बैटिंग किया मतलब फैबुलस था, उसी की वजह से हम मैच जीते। एक फाइटिंग टोटल मिला हमें बॉलिंग डालने के लिए, और काफ़ी अच्छे टच में वो, पिछले मैच में भी उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और ये मैच में भी उसने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया, सेंसिबल बैटिंग किया। लास्ट में उनने चार्ज किया और जो लास्ट ओवर जो 20-25 रन का गया उससे हम मैच में मिले, और हमें मुझे भी लास्ट ओवर में बॉलिंग डालने का मौका मिला। सेटअप तो सेम ही देता है सब जगह का देखा जाए तो, बस आपको रोल्स देते हैं वो कि आपको किस सिचुएशन में बॉलिंग डालना है या किस फेज़ में बॉलिंग डालना है। जैसे लखनऊ DC में था तो मैं शुरू में एक ओवर डालता था या पावर प्ले में 2 ओवर डालता था, डेथ में 2। अब यहाँ मैं पावर प्ले के बाद 2 ओवर डालता हूँ और डेथ में अगर मुझे बॉलिंग मिलती तो वो, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सेटअप काफ़ी अच्छा है, जैसे हमारी जो डाटा टीम है वो काफ़ी अच्छा डाटा देती है हमें अपोजिट टीम का कि आपको क्या बॉलिंग डालना है और क्या चीज़ें करना है। और संगकारा शेन बॉन्ड हमेशा बैक करते हैं कि जो भी बॉलिंग डाल रहे हो उसको सिर्फ बैक करो, एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, वो नहीं भी होगा तो अपन आगे जो भी गलतियाँ होंगी वो आगे वाले मैच में अपन देखेंगे कैसे सुधारे। वो सेम संजू का भी है, पूरी फ्रीडम देता है बॉलिंग डालने के लिए, फील्ड सेटअप अपने हिसाब से ही बोलता है कि आप करो और आप उसको एग्जीक्यूट करो, तो वो एक फ्री कैप्टन है, बॉलिंग बॉलर्स कैप्टन है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को खेल के। पार टोटल तो देखिए शुरू में इनिशियली जब हम खेले तो हमें लगा कि 150 बनेगा तो अच्छा है, लेकिन एट द एंड जैसे सिचुएशन डिमांड किया तो अश्विन भाई को हम चाह रहे थे कि जो हमारे हिटर्स हैं जैसे ध्रुव हो गया, हेटमायर हो गया, तो हम इनको बचा के रखें लेटर एंड के लिए, क्योंकि ये लोग जब भी बैटिंग करते तो बॉलर हमेशा प्रेशर में रहता है क्योंकि ये अच्छी हिटिंग करते हैं। तो अश्विन भाई ने भी अपना काम किया अच्छे से, क्योंकि उन्होंने एक हमें बेस दे दिया बना के, जो बीच में रियान और उनकी पार्टनरशिप हुई तो उससे हमें बेस मिल गया है एक। और पार्ट टोटल हमने सोचा नहीं था कि इतना बनेगा, लेकिन ये IPL है, देखिए आप एक ओवर में गेम चेंज होता है। हमने इनिशियली सोचा था कि बॉल थोड़ा सा फंस रहा है और शुरू के 6 ओवर में इतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था, 2 पेस था, लेकिन जैसे जैसे मैच उस पर चलता गया विकेट काफ़ी अच्छा होता गया और लास्ट ओवर जो हम खेले रियान ने जो बैटिंग करी वही मैच चेंजिंग ओवर था हमारे लिए। नहीं ड्यू बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बॉल गीला हो रहा है, और ड्यू फैक्टर था ही नहीं क्योंकि एकदम सूखा ग्राउंड था, बॉल भी सूखी थी। क्योंकि जब ड्यू आता है तो आपका एग्जीक्यूशन में थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लेकिन ड्यू फैक्टर था ही नहीं बिल्कुल भी ग्राउंड पे। काफ़ी अच्छा फील होता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्या बॉलिंग डालना चाहिए। हम जब भी टीम मीटिंग करते हैं तो एक हमारा टारगेट होता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, या हमारा जो भी हम डाटा देखते हैं बैट्समैनों का तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हो, जो हमारे बेस्ट बॉल है जैसे ट्रेंड बॉल हो गए, तो वो नया बॉल जब भी डालते हैं तो हमेशा स्टंप पे डालते हैं, स्विंग कराने को देखते हैं। वहीं पे बर्गर जो खेल रहे हैं वो काफ़ी पेस से डालते हैं, सेंडी एक साइड यूज़ करते हैं, मेरा बीच में आता हूँ, और अपने बाउंसर यॉर्कर स्लोअर बॉल लेंथ बॉल सब वेरिएशन अपने यूज़ करता हूँ, तो हम हमारे प्लान को लेकर हमेशा क्लियर होते हैं। और शेन बॉन्ड भी हमेशा हमें फ्रीडम देते हैं कि आप बस आपकी बॉलिंग डालो, जो भी एग्जीक्यूट करने को सोच रहे हो उस पर एग्जीक्यूट करो, बाकी बैट्समैन अगर वहाँ से मार दे तो अच्छा शॉट है, या वो भी रन बनाने आया तो बोले आपकी साइड से गलतियाँ मत करो, बैट्समैन को मिस्टेक करने दो और अच्छे बॉल पे मारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जब कोई भी कोच आपसे बात करता है कि आपको पूरी फ्रीडम है, तो आप उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।